गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मेरे घर की लक्ष्मी से। तो फ्रेंड, मेरे वीडियो में आप बने रहो और आज का दिन में मैं क्या क्या शेयर कर पाती हूँ वो देखती हूँ। मेरा हस्बैंड पूजा करके चले गए हैं अपना शॉप और मैं जा रही थी अपने रोज़ का जो काम है किचन में। और फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है, थोड़ा सा दूर है तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। फ्रेंड, शरण्या अभी भी ऐसे लेटी हुई है और वो उठ नहीं रही है। आप देखेंगे वो क्या कर रही है, ये देखो, ये देखो, ये जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई है एकदम बेड से उठती नहीं है, बस खाती पीती है और फिर से लेट जाती है। तो मैं इसको उठाया नहीं है, मच्छरदानी को हटा दिया, ब्लैंकेट वगैरह हटा दिया, बाकी का जो पिलो था वो हटा दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा काल का बहुत सारा ये कपड़ा है, यहाँ पे ऐसे ही रखा हुआ है मेरा, बस ऐसे ही भरा पड़ा है। इसका अंदर देखोगे तो ये देखो पूरा एकदम भरा पड़ा है, पर मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है ठीक करने के लिए, मतलब थोड़ा सा समेट लूँ। और ये दूसरे वाले रूम में भी सेम हालत है, ये सारे कपड़े गंदा है, ये धोना है। और बाकी का जो कपड़ा है मैंने कल धो दिया था, वो बाथरूम में अभी भी पानी झड़ रहा है। और मैं चलूँगी गंदा वाला किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज खाने में क्या बनेगा, अभी मैंने कुछ ठीक नहीं किया है। फ्रेंड, कल हस्बैंड गए थे पास के मार्केट में हम अच्छे लेने, तो वहाँ से सारे ताज़ा ताज़ा सब्जी मिलते हैं वही लेकर आ गए हैं। पर आज तो आज क्या बनाऊँगी ये ठीक नहीं किया है, और सब्जी को मैंने मतलब दूसरे जगह पे शिफ्ट भी नहीं किया है जहाँ रखती हूँ। तो चलो मैं पहले सब्जी को वहाँ पे अच्छे से रख दूंगी, फिर उसके बाद खाना बनाऊंगी। अभी तक आज चावल भी नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, बस कॉफी पी के कप छोड़ दिया है। और मेरा किचन का हालत तो देख ही सकते हो, अभी तक ठीक नहीं हुआ है मेरा, तो एकदम क्या बोलूं, काला काला क्यों दिख रहा है ये देखिए, क्या हालत, पता नहीं कब ठीक होगा। और हमें अच्छा घर भी नहीं मिल रहा है जो ये छोड़ दे। और मैं वही बोल रही थी, जो कपड़ा कल मैंने धोया था ये अभी भी वहाँ पे टांगा हुआ है, उसी को मैं बाहर के जो कपड़े है उसको पहले उठाऊंगी। बाहर का कपड़ा देखेंगे अब सब पूरा एकदम भरा हुआ है, ये देखिए मैं ऐसे घूम घूम के ब्लॉग बना रही हूँ। और ये अभी भी मैंने बोला था ना आप सबको कि वैसे ही रहती है पूरे दिन, ये देखिए मैं जाली वाला गेट नहीं खोल रही हूँ, पूरा एकदम कपड़े में भरा है। तो और यहाँ पे धूप नहीं निकाल रही है, ऐसे ही फोक फोक हो रखे तो, और बहुत ठंड है तो मैं दरवाजा हमेशा बंद फिर रख रही हूँ। कर लिया और अपना फेस भी नहीं दिखाया तो मेरे सारे फ्रेंड्स को अच्छा नहीं लगेगा मैं अगर अपना थोबड़ा ना दिखाऊँ तो, इसीलिए। और चलो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट तो कर दिया, आप क्या क्या शेयर कर पाती हूँ देखती हूँ। और फिर मैंने जो बोला था, मैंने टेबल तो खरीद दिया है पर टेबल में वो पड़ते नहीं है एकदम, शायद मैं इसको वापस कर दूँ। देख रही है मैं टेबल के बारे में बोल रही हूँ, बोल के देख। और कैसा लग रहा है ना, मैंने ईयर रिंग उतार दिया, अरे बहुत दिन से मुझे टॉप्स पहनना ही अच्छा लगता है तो टॉप्स पहना था तो यहाँ पे पूरा एकदम कैसा हो गया था ड्राइनेस और एकदम व्हाइट व्हाइट सा, मुझे इतना गंदा लग रहा था तो मैंने उतार के थोड़ा सा मॉइस्चराइजर रोज रोज लगा रही हूँ 3-4 बार करके, थोड़ा सा ठीक हो गया है, जब पूरा ठीक हो जाएगा फिर पहन लूँगी। और मैं चिन भी उतार दिया, मतलब सारे एकदम, मुझे क्या पता नहीं क्यों ऐसा अजीब सा लग रहा था इसलिए सारा उतार दिया। मुझे शॉर्ट हेयर करने का मन कर रहा है और मेरा देखो क्या हालत, यहाँ पे पूजा करते हैं तो पूजा का सामान जो रहता है वो छोड़ देते हैं। और ये मैंने
गया है, अब जाऊंगी मैं नहाने, उसके बाद मैं लंच कर लूंगी। पता नहीं डैंड्रफ हो गया है मेरे बालों में, तो अभी मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, बहुत ज्यादा रफ हो गया। तो ऑयल लगने के बाद नहाने जाएंगे, नहा के फिर लंच कर लेंगे, लंच करने के बाद चलेंगे अपने शॉप। तो वही मैं ऑयल लगाने के लिए आई यहाँ पे, और मैं जो ऑयल लगाती हूँ बॉडी में, ये है ये ऑलिव ऑयल फिकार्ड, तो बहुत अच्छा होता है। और इसका स्मेल मुझे कभी कभी पसंद नहीं आता, तो इसलिए मैं ये वाले जो होता है ना, ये मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। इसमें बहुत अच्छा सा एक स्मेल आते है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो चलो मैं वही ऑयल लगा लेती हूँ।